Our today's question is from class 10 mathematics, exercise 3.3, page number 53, question number 2. Question में दिया हुआ है, question number 2 में, solve 2x plus 3y is equal to 11. एक equation हमको यहाँ पे दिया हुआ है, and 2x minus 4y is equal to minus 24. And hence, find the value of m. और किसका value हम लोग को find करने के लिए बोल रहा है? m का value, which y is equal to, for which y is equal to mx plus 3. तो यहां पे देखेंगे, अगर हमको y का और x का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, और इस इक्वेशन में जैसे ही हम लोग रखेंगे y और x का वैल्यू, तो हमको m का भी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा. अब y x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, जो ये जो हम लोगों का है 2x plus 3y is equal to 11, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. इसके बाद क्या है, 2x minus 4y is equal to minus 24, ये इक्वेशन सेकेंड आ गया. ये इक्वेशन 1 एंड 2 आ गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 minus 2, यहां पे देख लेंगे ये दोनों सेम है, 2x दोनों में है. तो जैसे ही माइनस करेंगे तो x वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 minus 2 हम लोगों को क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24. माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 2x कैंसिल हो गया, 7y is equal to, यहां पे आ जाएगा 35, y is equal to 5, implies y is equal to 5. y का अमाउंट कितना आ गया, 5. Putting the value of y in equation first. जैसे ही हम लोग equation first में y का value put करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x plus 3 into 5 is equal to 11, implies 2x is equal to 11 minus 15. X is equal to minus 4 upon 2 minus 2. X का वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन हो गया minus 2. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन 3, इसको 3 सपोज कर लेते हैं. Putting the value of X and Y इन इक्वेशन 3. जैसे ही हम लोग इक्वेशन 3 में इस दोनों का वैल्यू, x और y का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वेशन 3 है क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 इज इक्वल टू m के प्लेस पे m ही बना रहेगा, x के प्लेस पे माइनस 2 आ जाएंगे और प्लस 3, इंप्लाइज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 है. 5 में से 3 गया, कितना हम लोगों को रिमेन बचेगा, 2 इज इक्वल टू माइनस 2 एम, इंप्लाइज एम इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन 2, कैंसिल हो गया, इंप्लाइज एम इज इक्वल टू माइनस 1. यहां पे माइनस इसलिए मैंने ऊपर में कर दिया क्योंकि वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, माइनस का साइन, रूट का साइन, ये सब डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे माइनस का साइन ऊपर में कर दिया है. तो m का वैल्यू जो अब हम लोगों को आया वो कितना आ गया, -1. यही था आज का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.